पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस दीआं वध रहीआं कीमतां नूं लै के मानसा विच आम आदमी पार्टी वल्लों केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन कीता गया है। प्रदर्शनकारियों वल्लों बस स्टैंड के नज़दीकी सेवा सिंह ठीकरी वाला चौंक विखे केंद्र सरकार की अर्थी फूक की गई और नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां विच वाधा कर रही है, जिस नाल आम व्यक्ति भी इस दे नाल नपीड़िया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कारपोरेट घराने नूं फायदा पहुंचाने के लिए हर दिन महंगाई विच वाधा कर रही है। मोदी सरकार ने कहा सी कि लोगों के अच्छे दिन आउणगे, पर उन्होंने अच्छे की बजाय लोगों के बुरे दिन लिया दिते। आम आदमी पार्टी वर्करां ने केंद्र सरकार नूं चेतावनी देंदे हुए कहा कि जेकर जल्दी ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस दीआं कीमतां विच कटौती ना की तां संघर्ष नूं होर तिखा किया जाऊगा। जो पेट्रोल ते डीजल आ गया जदों दीआं पछमी बंगाल दीआं ते दूजे पंज सूबिआं दीआं चोणां होईआं ने, उस तो बाद रोजाना 25 पैसे 35 पैसे वाधा होया, अज 100 दे नेड़े सैकड़ा मारन लग्या गा। असीं कह लैंगे जदों अंतरराष्ट्री पद्धर ते तेल दे कच्चे तेल दीआं कीमतां घट रहीआं, पर साडे देश विच कीमतां नूं अग लगी होई आ। मोदी कल्ले तेल ते डीजल ते पेट्रोल दे उत्तों देश चलाउणा चाहुंदा गा, इस करके अज प्रदर्शन किया गया कि आम लोगों को महंगाई तो राहत दी जाए। डीजल पेट्रोल ते रसोई गैस सरों के तेल दी कीमत खाण पीन दी कीमत जो बढ़ रही उन्होंने कंट्रोल किया जाए। देखो जी, जे आप पेट्रोल डीजल दी कीमत कच्चे तेल के तौर पर चेक की जा, कच्चे तेल के भाव इंटरनेशनल मार्केट दिनों दिन घट रहे हैं, साढ़े भारत डीजल पेट्रोल के भाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं। एक इन्होंने वधिया स्कीम लिया, पहला हुंदा सी जनता नूं पता लगता सी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, भी अज 5 रुपये बढ़ गई है, 3 रुपये बढ़ गई। हुण इन्हां ने नवी स्कीम जिहड़ी लिआंदी भी रोज़ 10 रुपये पैसे बढ़ा दो, 20 पैसे बढ़ा दो, 25 पैसे बढ़ा दो, भी जनता कुछ बोलण जोगरी भी ना रहे। इह सरकारां लोटू सरकारां नहीं आ, आपदे खजाने भर रहे नेगे। जे पेट्रोल डीजल की कीमत पंजाब च असीं चैक करिए, तकरीबन इन्हां ते 60 रुपये जिहड़ा टैक्स जा रहा है, टैक्स के रूप में सानू यह लुट रहे हैं, जिस करके आम आदमी पार्टी यदा विरोध किया गा। सिंबोलिक तौर पर असं अज इत्थे इकट्ठे हुए हैं, ज़्यादा रश असी तां नहीं कर सके क्योंकि कोविड का चल रहा है, उहदे करके असी कोविड के नियमों भी ध्यान च रखे हुआ, असी ज़्यादा घट नहीं किया। तो अज असी इस वाधे के विरुद्ध, तेल दीआं कीमतां दे वाधे के विरुद्ध, रसोई गैस के वाधे के विरुद्ध अज असी प्रदर्शन किया। 2014 के मोदी सरकार एक नारा दे के आई सी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार से। असी ये दसना चाहते हाँ मोदी सरकार नू, मोदी प्रधानमंत्री नू, के पहली बार पेट्रोल देश दे विच 100 तो पार, ते 100 तो पार होके जो पेट्रोल हो गया, ज डीजल हो गया, एदी महंगाई दी मार देश दे गरीबी तक नहीं जड़ां तक जा रही है। तुसी देख रहे हो ढोआ ढोआई महंगी होवेगी, ढोआ ढोआई के नाल मजदूरी महंगी होगी, मजदूरी के नाल हर एक चीज़ जी महंगी होगी, जिस दे नाल फर्क है जरा वो आम आदमी नूं पै रहा है। तो आम आदमी इसका लगातार विरोध करती आ रही है। 10-20 पैसे का टीका पहला ला के देखा सी, हुण तां सीधे 3 रुपये 2 रुपये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उदू बाद टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। सो साडी अज यह प्रोटेस्ट करन दा तरीका जिहड़ा इह सीगा कि केंद्र सरकार दे कन्नां तक जू सर के, फिर असी इस तो बाद भी अगर ये कीमत दे ठल नहीं पैंदी तां आम आदमी पार्टी मजबूर होवेगी तिखे संघर्ष करन दे लई, सड़कां ते उतरन दे लई। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला।
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।